हेलो दोस्तों, मैं हूं शगर और आप देख रहे हो टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैप्चा कैसे आप अपना यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट पे लगा सकते हो। यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट पे कैप्चा लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो चलिए देख लेते हैं कैप्चा कैसे आप अपना यूआरएल शॉर्टनर वेबसाइट पे लगाते हो। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। सो दोस्तों, कैप्चा अपना URL शॉर्टनर वेबसाइट पे लगाने के लिए आपको URL शॉर्टनर वेबसाइट पे पहले डैशबोर्ड पे लॉगिन हो लेना है। उसके बाद एडमिन पैनल पे क्लिक कर देना है। तो एडमिन पैनल पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेटिंग्स पे फिर से क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कैप्चा करके, सो कैप्चा पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे दिखा रहा है कि इनेबल कैप्चा, यस ओके, इनेबल करके रखना है इसको। और कैप्चा आपका किस टाइप का कैप्चा आप लगाना चाहते हो वो यहाँ पे आ रहा है। तो रिकैप्चा V2 चेकबॉक्स, इसको सिलेक्ट करके रखना है। अब डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा गूगल का, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको कोई भी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपका वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा वेबसाइट का यूआरएल वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा टाइप आपको सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे बोल रहा है वेरीफाई रिक्वेस्ट विथ ए स्कोर, दैट इज रिकैप्चा V3 एंड वेरीफाई रिक्वेस्ट विथ ए चैलेंज। सो सेकेंड ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो रिकैप्चा वर्शन टू को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट, ये वाला आप कर सकते हैं। कोई भी एक कैप्चा को आपको उठाना है। सो मैं रिकमेंड करूँगा फर्स्ट वाला ही टिक करके रखिए। सो फर्स्ट वाला को चूज कर लेते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है एडेड डोमेन, यहाँ पे डोमेन को ऐड कर देते हैं, एडेड डोमेन। सो यहाँ पे ओके, सो यहाँ पे डोमेन को ऐड कर दिया। अब ओनर्स का मेल आईडी यहाँ पे आपको दिखाएगा। आपको एक्सेप्ट करना होगा रिकैप्चर टर्म्स एंड सर्विस को। सो उसको टिक करने के बाद उसके बाद सब कुछ ऐसे सिलेक्ट, मतलब इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो की यहाँ पे मिलेगा। नंबर वन जो की है कॉपी साइट की एंड कॉपी सीक्रेट की, दो की आपको मिलेगा। सो साइट की को पहले कॉपी कर लेते हैं। सो साइट की को मैंने कॉपी कर लिया। अब फिर से आपको जो मैंने बताया था यहाँ पे वर्शन टू को ही सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। सो वर्शन टू को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो रिकैप्चर सेटिंग्स के अंदर साइट की का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे साइट की को पेस्ट कर देना है। फिर से सीक्रेट की को भी कॉपी कर लेना है यहाँ से ऐसे। सो सीक्रेट की को कॉपी करने के बाद यहाँ पे सीक्रेट की को पेस्ट कर देना है। सीक्रेट की को पेस्ट करने के बाद जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनेबल ऑन होम एनोर्मस शॉर्ट लिंक बॉक्स। सो होम पेज में अगर आप इसको कैप्चर को लगाना चाहते हो तो इसको भी इनेबल कर सकते हो। उसके बाद इनेबल ऑन शॉर्ट लिंक पेज, सो इसको तो इनेबल करके ही रखेंगे। अगर कोई भी फॉर्म है आपके साइड में तो उसमें भी आप इसको इनेबल करके रख सकते हो। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो ये सेटिंग सेव हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट करके आ रहा है, मतलब कैप्चा इनेबल हो चुका है। सो इसको टिक करेंगे तो ऐसे कोई बॉक्स दिखाएगा और इसको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद क्लिक हियर टू कंटिन्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा। सो ऐसे ही बहुत ही आसानी के साथ आप अपना URL शॉर्टनर वेबसाइट में कैप्चा को इनेबल कर सकते हैं।
सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी किसी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक केयर।